नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चैनपुर अंचल अंतर्गत खास मौजा चैनपुर पिपल चौक पर प्लांट नंबर 1166 रकबा 7 डिसमिल जो कि केसर हिंद सरकारी जमीन था, जिस पर सहिनाथ रौतैया के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था तथा नोटिस भेजने पर भी वह जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कर रहा था, जिस पर अंचलाधिकारी गौतम कुमार के निर्देश पर चैनपुर थाने के एएसआई मदन शर्मा अपने दलबल के साथ उचित कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाया गया। वहीं अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को अंचल कार्यालय से पहले ही नोटिस जारी किया गया था कि वो स्वयं अतिक्रमण किए हुए जमीन को खाली कर दें, लेकिन जब उनके द्वारा जमीन खाली नहीं की गई तब आज बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है और आगे भी अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहेगी। बताते चले कि चैनपुर के बस स्टैंड के समीप भी सरकारी जमीन पर कई दुकान व मकान बनाकर अवैध रूप से रह रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करती है। मामला यह है कि मौजा चैनपुर प्लॉट नंबर 1164, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये केसरी हिंद जमीन है जो बहुत लंबे समय से अतिक्रमण था। विधिवत इसकी जानकारी अतिक्रमणकर्ता सहनाथ रौतैया को दी गई और नोटिस भी दिया गया। नोटिस उपरांत आज 5 जनवरी 2023 को थाना द्वारा दिए गए पुलिस बल और अंचल के अंचल अमीन राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी की उपस्थिति में 7 डिसमिल जमीन कैसे हैं वो अतिक्रमण मुक्त किया। सर, और भी यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि बहुत से चैनपुर में जगह जगह अतिक्रमण किया गया, उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? जो भी सूचना मिल रही है, जो हमारा अभिलेख कहता है, उसका हम अपने अमीन द्वारा विधिवत ढंग से नापी करवा रहे हैं और जो भी प्लॉट अतिक्रमण है उस अतिक्रमणकारी को हम नोटिस कर रहे हैं और ये कार्रवाई निरंतर 2023 में चलता है। सर, सड़क में भी कुछ दुकानें जो सट कर लगी हुई है, सर उसमें भी कुछ पिछले क्रिसमस डे से पहले मैंने अतिक्रमण किया था, अतिक्रमण मुक्त किया था, तो उसी दौरान हमने प्रॉपर नोटिस के माध्यम से सभी ठेले खोमचे गुमतियों को हिदायत दे दी गई थी। आज उसका भी हम प्रॉपर ढंग से सारे सड़कों को हम अतिक्रमण मुक्त करा देंगे। ई टाइम न्यूज़ के लिए चैनपुर गुमला झारखंड से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।